जौनपुर बुधवार की दोपहर शास्त्री सेतु के पास 40 फीट नीचे गहरे खाई में ईरिक्शा पलटने से महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के मदद से घायलों को किसी तरह खाई के बाहर निकाला गया। ईरिक्शा में बैठी एक महिला के मुंह से लोहे का राड आर पार हो गया। आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जहाँ पर इलाज चल रहा है। जो होके आई है उसमें रिंकी वाइफ ऑफ हिमांश है, उसकी उम्र जो है 35 साल के लगभग है, और हिमांशी देवी 45 ईयर हैं, और वाइफ ऑफ महेंद्र यादव, और उनकी एक पुत्री है जो कि रिंकी की पुत्री है इवाक, जिसका उम्र लगभग 5 महीने हैं। ये लोग अचानक एक्सीडेंट सिपाह के पास हो गया, जिसको खाई में 20 फीट खाई में उसकी उनकी गाड़ी गिर गई, जिसके कारण से उनको गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज किया जा रहा है यहाँ पे, और हमने उसको पूरी तरह देख लिया है और सर्जन को रिफर कर दिया है, वो आकर देखेंगे। और अभी स्थिति तो कंट्रोल में है, और उनकी रिंकी की स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, उनको देख सारी दवाएं दी जा रही है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट।